हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा। इससे पहले का अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो पहला वाला पार्ट जाके आप देख सकते हैं चैनल पे, जिसपे आप संज्ञा का स्टार्टिंग हमने बहुत अच्छे से समझाई है और आप उससे पूरी अच्छी तरीके से संज्ञा को समझ जाएंगे। और उसमें हमने दो इसके जो टाइप्स है वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, या उसको हम पदार्थवाचक भी बोलते हैं। तो द्रव्यवाचक आखिर है क्या? तो ऐसी वस्तुएं जो कि क्या होती हैं कि धातु या सामग्री या पदार्थ जिससे दूसरे वस्तु का क्या होता है निर्माण किया जा सकता है, वो आपकी जो होती है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं या समझते हैं, तो अगर द्रव्य की बात करें तो इसे क्या होता है नापा तोला जा सकता है। बात क्लियर है? उदाहरण देखेंगे, लोहा, सोना, प्लास्टिक, तांबा, लकड़ी इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है आपके जो उदाहरण है द्रव्यवाचक के। नोट जो है आपके सामने, वस्तु पदार्थ जो कि मानव द्वारा निर्मित होती है इसके अंतर्गत वो वाली चीजें रखी जाती है, रुई, ऊन, आटा, मोम, पत्थर इत्यादि, ये सारी चीजें होती है। अगर मैं बात करूं समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी निर्जीव, किसी, ठीक है, निर्जीव या सजीव कुछ भी हो सकता है, प्राणी, वस्तु के समूह का जो बोध कराते हैं वो आपका क्या है समूहवाचक कहलाता है। ये बात क्लियर है? समूहवाचक जैसे कि समूह जो इसका नाम है उसी से समझ में आ रहा है कि किसी समूह की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कि सेना, टीम, कक्षा, भीड़ इत्यादि, ये सारे जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि सेना की बात करें तो वो किसी एक पार्टिकुलर बंदे से सेना नहीं बनती। या स्कूल की बात करें तो स्कूल भी क्या है, वो किसी एक स्टूडेंट से स्कूल नहीं बनना, वहाँ पर बहुत सारे अमाउंट ऑफ स्कूल मतलब स्टूडेंट्स होते हैं तब जाके कहीं स्कूल या क्लास। कक्षा की बात करें तो कक्षा में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तब जाके वो कक्षा बनती है। तो वो जो होता है आपका समूहवाचक कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अगर हम बात करते हैं भाववाचक, तो उसमें जो होते हैं फीलिंग जो है वो आपका इससे रिलेटेड, जैसे आप ऐसे सब जो किसी के गुण दशा या गुण या स्थिति प्रकट करते हैं, ठीक है, या फिर महसूस करते हैं, या तो वो प्रकट हो जाएंगे या फिर महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होगी या तो वो महसूस कर सकते हैं आप, ठीक है, भाव जो होते हैं या तो वो फील करेंगे या फिर आप उसे कहते हैं रिवील कर देंगे या फिर आप प्रकट कर देंगे, ठीक है, या फिर आप कहेंगे वो आपकी जो ये दोनों चीजें हैं ये आपकी क्या होंगी निर्जीव या सजीव किसी के भी अंदर पाई जा सकती है। दोनों के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि सजीव के अंदर है और निर्जीव के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो निर्जीव वाली बात है आप थोड़ा सोच रहे होंगे किस प्रकार से। तो निर्जीव इस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका एक फल है, ठीक है, आम की बात करूं तो आम में क्या है वो खट्टा होता है। तो खट्टा हट जो है मतलब उसके जो खट्टापन है ना वो क्या है उसका एक आपका उसका एक भाव है, यानी उसे फील करेंगे आप उसके, ठीक है, तो भाव है उसका। और जैसे कि गन्ना है तो उसका मिठास वो भी क्या है उसकी एक भाव है। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो ऐसे उदाहरण देखेंगे तो आप आलस्य, मिठास, लालच, क्रोध और डर और गुस्सा, मोह, वीरता, कायरता, इंसानियत और साहस, नफरत, दीवानापन और सीधापन, ये जो है आपके एग्जांपल आप ऑलरेडी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि जब किसी शब्द के पीछे ये सारे शब्द आते हैं, ये सारे जो हैं आपके पीछे लगे होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा शब्द है भाववाचक के अंतर्गत, यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं जब किसी शब्द के पीछे, जैसे कि ता, फिर पन, आई और आहट, बट और ये सारी चीजें जो है आप आएंगे, तो आप क्या समझेंगे कि आप समझ सकते हैं कि ये भाववाचक की बात की जा रही है। ओके, बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहाँ पर परिवर्तन कि ट्रांजिशन किस प्रकार से होते हैं, संज्ञा का जो ट्रांजिशन है वो भूत संज्ञा में किस प्रकार से होता है। जैसे अगर बात करें व्यक्ति, व्यक्ति तो हम जानते हैं कि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम होगा, वो किसी और का नाम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो जाति वाचक में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है ये तो हमें समझना है। वह जो हरिश्चंद बना फिरता है, ठीक है, अगर उन्हें बोल दे कि वह तो ना हरिश्चंद बना फिरता रहता है, ठीक है, तो अगर हरिश्चंद जो है वो हरिश्चंद जो है क्या है कि वो अपने आप में एक किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर तो जो दिख रहा है वो तो आपको क्या है जाति, यानी किसी एक जाति की ऐसी बंदे की बात कर रहा है, ऐसी समूह की बात कर रहा है जो बहुत ज्यादा क्या है सत्यवादी होता है, ठीक है। एक रानी हमारे घर की लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ रानी की बात जो कर रहे हैं तो वो तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में ट्रांजिशन है। उसके बाद अगर बात करें जाति का, जब व्यक्तिवाचक में होता है तो जैसे नेताजी, तो नेताजी तो आप बोलेंगे नॉर्मली, आप नेताजी बोलेंगे, उसमें जितने नेता हैं आपके भारत में या कहीं भी, तो वो जो नेता है वो तो सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। नेताजी ने NIA की स्थापना 1942 में की थी, तो इस वाले पॉइंट से यह समझा कि नेताजी ने 1942 में जो नेता थे वो कौन से नेता हैं जो 1942 में इन्होंने क्या करी थी, इसकी स्थापना की थी। तो इससे यहाँ पर्टिकुलर ये समझ में आता है कि किसी एक व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है, ना कि किसी जातिवाचक की, ठीक है। इसी प्रकार पंडित जी की बात है तो वो प्रधानमंत्री थे, वो भी उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब भाववाचक जो है जातिवाचक में किस प्रकार से चेंज होता है, जैसे बुराई, बुराई ऑलरेडी मैंने बताया कि वो तो आपका भाववाचक है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो तो जातिवाचक, यानी एक जाति को बिलोंग कर रहे हैं, जाति को बता रहे हैं यहाँ पर,
जैसे कि अब बुराई जो है अच्छाइयों में परिवर्तित होगी, यानी अब जो बुराई थी ना वो अच्छाइयों में चेंज हो जाएगी यानी बदलेगी। तो इस प्रकार से भारत में बीमारियां बहुत भरी है, अब भारत में बीमारियां जो है बहुत सारी भरी हुई है। तो ये जो है ना, इस प्रकार से आपका भाववाचक से जातिवाचक में ये पूरी जाति को क्या कर रहा है, ये पूरी जाति को अब यहाँ पर शो कर रहा है। ये जो बीमारियां है ना कि भारत में बहुत सारी बीमारियां, तो बीमारियां भरी हुई हैं, या फिर बुराई जो अच्छाइयों में चेंज हो जाएगी, तो ये क्या कह रहा है कि आपका जाति को एक बिलोंग कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी ये कंसेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है एक संज्ञा का जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।